हेलो गाइस, शांति किचन में आपका स्वागत है। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आज हम झटपट बनने वाले लड्डू, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, बनाने जा रहे हैं। इनके लिए सामग्री: एक कटोरी मूंगफली, एक कटोरी कद्दूकस नारियल, एक कटोरी तिल, 200 ग्राम गुड़। चलिए गाइस, अब हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हमने पैन चढ़ा दिया है, अब हम इसमें मूंगफली डालते हैं और धीमी आंच पर इन्हें फ्राई करते हैं। इन्हें धीमी आंच पर फ्राई करें, इनका कलर चेंज ना हो। तो देखिए गाइस, हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने पैन फिर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें तिल फ्राई करते हैं। फ्लेम को धीमा ही रखें, नहीं तो तिल जल जाएंगे। इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई करें, नहीं तो ये तिल जल जाएंगे। हमारे तिल फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम नारियल फ्राई करेंगे। हमारा नारियल भी फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, हमारी ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, अब हम इन्हें ठंडा कर लेते हैं। देखिए गाइज, हमारी सारी सामग्री अब ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए गाइज, हमने सारी सामग्री डाली है, अब हम इसमें गुड़ डालते हैं। 1 चम्मच घी, 1 इलायची पाउडर। तो चलिए गाइज, अब हम इसे मिक्सी जार में चला लेते हैं। तो देखिए गाइज, हमने इसे मिक्सी में चला लिया है, ये ऐसा हो गया है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए गाइज, ये हमने सारा बर्तन में निकाल लिया है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इन्हें दबा दबा कर अच्छे से बना लें। इसी तरह से सारे लड्डू बना लें। देखिए गाइस, हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, कितने अच्छे लड्डू आए हैं। आप भी ऐसे लड्डू बनाएं, खाएं और खिलाएं। ये बहुत ही कम सामान से और झटपट बनने वाले लड्डू हैं। हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।